दोस्तों INOX और PVR दोनों ही बड़े फिल्मी थिएटर हैं जो अपने विलय की घोषणा कर चुके हैं। इन दोनों के विलय के बाद 7 साल में मिलकर 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट से लगभग 2,000 स्क्रीन खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। इसे लेकर INOX के चेयरमैन सिद्धार्थ जैन ने निवेशकों से कहा है कि विलय के बाद बनी यूनिट अपने विस्तार के हिस्से के रूप में पर स्क्रीन 2.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दोस्तों कंपनी ने अपने बयान में कहा था कि PVR और INOX ब्रांड के रूप में पहले से मौजूद स्क्रीन का ऑपरेशन होता रहेगा, जबकि विलय के बाद खोले जाने वाले नए सिनेमा घरों को PVR INOX के रूप में पेश किया जाएगा। जैन ने नई कंपनी की योजना में स्क्रीन संख्या के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि हमारी योजना में लगभग 2,000 स्क्रीन है और इसे 7 साल के भीतर पूरा किया जाना है, जिसके लिए कम से कम 4,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि INOX और PVR के फिलहाल मौजूदा स्क्रीन में से केवल 50 ही एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नए स्क्रीन अलग अलग शहरों में लगाए जाएंगे। तो दोस्तों मर्जर के बाद कुछ इस तरीके की प्लानिंग दोनों कंपनियां कर रही हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट PVR के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।